तो एक और हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, अमाउंट भी पता है और रेट भी पता है, और टाइम ही नहीं पता है कि कोई सतीश नाम का लड़का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपया, और भी 10% इंटरेस्ट पे, 10% सालाना इंटरेस्ट पे वो पैसा बढ़ करके आने वाले समय में हो गया है 13,310। तो आने वाला समय था क्या, कितने समय बाद वो 10,000 13,310 बन गया, हमें वो निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, यानी कि अमाउंट, अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट, पहले वो कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो प्रिंसिपल अमाउंट इसका था वो था 10,000 का, वह अमाउंट बन गया था कितना, 13,310 रुपया बन गया था, और कितने रेट से बन गया था, तो वह रेट था 10%, रेट था 10%। हमें नहीं पता है टाइम, टाइम बराबर व्हाट, हमें टाइम निकालना है। तो चलो हम टाइम को मान लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू एन, लेट टाइम इज इक्वल टू एन, मजा आने वाला है। टाइम इज इक्वल टू एन ले लिए, हमें फार्मूला क्या पता है, फार्मूला क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला पता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + rate/100/n। ठीक है, अमाउंट की जगह पे तुम लोग देख पा रहे हो 13310 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पर है 10,000 इंटू 1 + rate जो है 10 और बाय 100, एन तो निकालना ही है, छोड़ दिया इट इज, तो आ गया 13310 जो सट्टा मारे फट्टा डाले बट्टा आ गया यहां से 10,000, रुपीज से रुपीज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इज इक्वल टू जीरो से जीरो कैंसिल, एलसीएम लिए तो आ गया है 10, तो यहां से आ गया 10 + 1 to the power n, दिस इंप्लाइज, देख सकते हो, देख सकते हो यहां पर है 1331 जो कि 11 का क्यूब है, जबकि 1,000 जो है वह 10 का क्यूब है, यानी कि पावर में डाल सकते हैं 3 = 11/10, और उसके पावर में डाल दिए हम लोग n, n के जगह पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये चीज सेम टर्म दिख रहा है और n की जगह दिख रहा है 3, यानी टाइम n इज इक्वल टू आ गया 3, जब n इज इक्वल टू 3 यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 years, यानी कि 3 साल बाद ऐसा घटना घटा था कि वो 10,000 रुपया 13,310 रुपया बन गया था, और इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बन गया था। चलो इसको कर लो तुम लोग अब नोट।